हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू ठाकुर और मैं आज आप लोग बताने वाला हूँ कि ये मेरे पास केमआई का ट्रिमर है और ये अभी फ़िलहाल स्विच काम करना बंद कर दिया है, इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इस स्विच को कैसे ठीक करें इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और कैसे स्विच ठीक किया जाता है मैं बताने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक माचिस का तीली चाहिए और एक फेविक्विक और एक ब्लेड का पत्ती। और इसके बाद में आपको ब्लेड का पत्ती लेना है और माचिस का तीली। इसको थोड़ा सा काट लेना है। यहाँ पर मैं आपको इस साइज में आपको ब्लेड के पत्ती से माचिस के तिल्ली को काट लेना है, इतने साइज में आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक का इस्तेमाल करना है, चारों तरफ लगा देना है इसके। और लगाने के बाद में आपको मशीन के इस पार्ट में लगा देना है, आपको यहाँ पर आपको लगा देना है, सेट कर देना है माचिस की तीली को। देखिए ये तो गिर जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं ऐसे आपको सेट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक को डाल देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा, जैसे कि ये माचिस का तिल्ली सेट हो जाए यहाँ पर। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। अभी फेविक्विक सूख कर जो माचिस का तिल्ली था वो सेट हो चुका है इस ट्रिमर में। अभी अब मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ, फिर भी उतनी अच्छी तरह से ये स्विच काम नहीं कर रहा है ऑन करने के बाद में। इसके बाद में ये थोड़ा पीछे तरफ खींचना पड़ता है, इसके बाद में ये ट्रिमर अपने आप मतलब काम कर रहा है, फिर भी उतनी। तो खास उतनी तो अच्छी तरह से ट्रिमर का अभी भी स्विच काम नहीं कर रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत काम चलाओ हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।